जैन दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं पावर अटैक। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास कबेलू रखे हुए हैं और इंग्लिश कबेलू। आप देख सकते हैं कितने मजबूत कबेलू। सबसे पहले तो मैं इनको पावर अटैक से फोड़ के दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि पावर अटैक किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे समझ लो मार्केट में कोई आपको धक्का दे रहा, देखिए इस तरीके से धक्का दे रहा, ये पूरी ताकत से बिल्कुल पूरे पावर से मारना पावर अटैक कहलाता है। ऐसे आप चेस्ट पर भी मार सकते हो, फेस पर भी मार सकते हैं, कहाँ इस तरीके से मार सकते हैं। यदि आपके हैंड में ताकत है, यदि पावरफुल हैंड है, तो सौन वाले की जो मांसपेशियाँ रहेंगी वो टूट जाएंगी। तो वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है, पूरा अच्छे से देखना है ताकि आप भी सीख जाएँ। सबसे पहले मैं कबेलू फोड़ कर दिखाऊँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो पावर अटैक रहेगा उसमें पावर कैसे आएगा और वो एकदम स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगा। सबसे पहले मैं ये कबेलू फोड़ के दिखाऊँगा, तो आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरीके से ट्राई नहीं करना, वरना आपके हाथ में चोट लग सकती है और हाथ भी टूट सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करना है, उसके बाद फिर आपको करना है, क्योंकि दो कबेलू आप सोच सकते हैं, जब दो कबेलू फूटेंगे तो सामने वाले का भाई किस तरीके से वो टूट सकता है। पोजिशन बना लीजिए आप। ये पैड में इनकी सेफ्टी के लिए रख रहा हूँ, ताकि मतलब जो कबेलू है वो गिर के इनके पैरों में ना लगे। पूरी ताकत से पकड़ना है, ठीक है बेटा। आप देख सकते हैं दोस्तों, कबेलू जो है दो चार टुकड़े हो गए, मतलब दो कबेलू के चार टुकड़े हो गए। आप सोच सकते हैं व्यक्ति में यदि इस तरीके से थी मार दे ऐसे करके, उसकी हड्डी टूटेगी नहीं, ये आप खुद ही डिसाइड कर लो। यदि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा हूँ सर तो इसी तरीके से बोल रहे हैं हड्डी टूट जाएगी, ऐसे नहीं टूट सकती। आप सोच के देखिए कि जो दो कबेलू है उनकी जो परत है वो इतनी मोटी हो जाती, जब दो कबेलू कितनी किस तरीके से फूटे हुए, मतलब बीच में से कबेलू फट गए हैं, तो आप सोच सकते हैं सामने वाले की जो मांसपेशी रहेगी, मतलब हड्डी रहेगी, वो टूट जाएगी। लेकिन ऐसे ही हवा में नहीं रहे दोस्तों। मैंने लगातार 6 साल ट्रेनिंग ली हुई है और 5 से 6 साल मुझे सिखाते हुए, मतलब 12 साल का एक्सपीरियंस है और प्लस प्रैक्टिस भी है, तो उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यदि आप भी कंटिन्यू ट्रेनिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, तो आपका जो पावर टेस्ट जो रहेगा वो भी इसी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए इसकी जो ट्रेनिंग है उसमें आपको, देखिए सबसे पहले तो हैंड स्ट्रांग कैसे करें वो आपको हैंड स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पंच स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिस्ट स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो मैं तीनों की जो वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक पर बना चुका हूँ, मतलब पहले ही बना दी मैंने, पंच को स्ट्रांग कैसे करें और उसके बाद रिस्ट को स्ट्रांग कैसे करें और उसके बाद पर हैंड को स्ट्रांग कैसे करें, मैंने तीनों की वीडियो ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ। उन तीनों को आपको प्रैक्टिस करना है सबसे पहले, उसके बाद देखिए इसमें आपको एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी, मतलब वो तो आपको ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको जैसे समझ लीजिए मैं पंच स्ट्रांग बताऊंगा अभी इस वीडियो में और आपको हैंड स्ट्रांग बताऊंगा और रिस्ट स्ट्रांग बताऊंगा, तो वीडियो कम से कम 20 से 25 मिनट की हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने तीनों पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब ये जो मैंने जिस तरीके से, देखिए थोड़ा सा लग गया है मुझे, हल्की सी जो क्रॉच है वो लग चुकी है, तो देखिए ब्लड आ गया है, और ये छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ब्लड आना खूना। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि आपको ये गलती नहीं करना। आप सोच सकते हैं मेरे जैसे मास्टर को भी क्रॉच लग गया भाई तो खून आ गया, छोटी मोटी सी बात है, मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये तो देखिए दोस्तों खून आ गया। मैं अब वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पहली बार बोल रहा हूँ मैं वीडियो को लास्ट में बोलता था हमेशा, लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप तीनों वीडियो देख लें। अब इसमें आपको एक चीज़ और सीखना है, वो देखिए इस तरीके से आप मैट पर करें या फिर जमीन पर करें, इस तरीके से देखिए मूवमेंट बनाना है और ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपकी जो मतलब जो गद्दी रहेगी वो भी स्ट्रांग होगी और आपके जो हैंड को ना जर्क सहने की आदत पड़ेगी। देखिए इस तरीके से आपको करना, देखिए ऐसे करके, ये होगी पहली एक्सरसाइज, आपको भी इसी तरीके से करना है। और सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको इस तरीके से खड़े हो जाना और ऐसे करके आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। देखिए किस तरीके से ऐसे करके ये ऐसे बना के रखना, पूरी बॉडी का मूवमेंट कहाँ रखना सामने, और इस तरीके से करना, देखिए ऐसे करके इस तरीके से आप करेंगे तो आपके जो हैंड है उसमें खुद ब खुद ही जर्क जाएगी, इसमें ये जा रहा है और इस तरीके से ये घूम जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके। जब भी आप ट्राई करेंगे किसी को मारेंगे, आपको सावधानी ध्यान ये रखना है कि जो अंगूठा है वो इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, अंगूठा आपको पीछे की साइड रहना चाहिए, कैसा ऐसा रहना चाहिए। और इसमें मारते समय ना केवल ये वाला ऐसा लगता है, याद रखें ये फिंगर्स आपकी नहीं लगती, यदि आप ऐसे करके मारेंगे तो फिंगर्स तोड़ देंगे, यदि आप पूरी ताकत से ऐसे मार देंगे फिंगर्स ऐसे बैंड होंगे और वो टूट जाएंगे।
तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मानना है ये वाला जो हिस्सा रहता है वो लगता है, इस तरीके से करना है। और मैं जैसे मैंने कबेलू फोड़े आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करने लगेंगे आपको लगेगा हाँ भाई हमारा हेड भी मजबूत हो गया, पंच भी मजबूत हो गया और रिश भी मजबूत हो गई है। उसके बाद ही फिर आपको ट्राई करना है। सबसे पहले आपको एक कबेलू पर ट्राई करना है, उसके बाद फिर आप दो कबेलू पर कर सकते हैं। हमारे पास दो ही कबेलू थे इसलिए मैंने दो कबेलू फोड़ के दिखाया आपको। तो इस तरीके से करना है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।